ओपिनियन पोल्स में एक पब्लिक ओपिनियन रिफ्लेक्ट करती है जी, और उसमें पब्लिक की जो स्थिति में जो इस जो वहाँ पर जो मानसिकता है उसकी एक ये रिफ्लेक्शन है, एक दर्पण है। मगर मैं कश्मीर के मसले को पर्सनली इंडिविजुअली मैं 1985 से देख रहा हूँ। 1986 नवंबर में जब फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी का पैक्ट हुआ था जी, तो मैं उस टाइम पे भी जब दोनों ये मिले थे मैं शामिल था, उसी कमरे में था। और उसके बाद 86 इलेक्शन जो हुआ था वहाँ पर नवंबर में, जो जहाँ से ये ज़्यादातर ये मामले शुरू हुए तब भी मैं था, तो एक ऐतिहासिक तौर से मैं जानता हूँ। और मैं जो हमारी गवर्नमेंट की नीतियाँ, हमारी पॉलिसी जो रही हैं कश्मीर में जी, वह उनका उनकी हमेशा मैं कठोर निंदा करते आया हूँ कि कोई भी प्रशासन जो यहाँ पर रहा है, राजीव गांधी हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो चाहे वीपी सिंह की सरकार हो जी, मैं उनसे मान्यता नहीं रखता था, क्योंकि मैं समझता था कि हमारी जो नीतियाँ हैं कश्मीर के प्रति, क्यों कश्मीर हमसे दूर हो रहा है, जो कश्मीर हमसे अपने आप जुड़ गया था। और 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने साइन किया था जी, और हमारी फौज ने अपना बलिदान देके पाकिस्तान की फौज को वहाँ से भगाया था उनके ही, और उधर शहीद जो हुए थे लोग ज़्यादातर उनकी पाकिस्तान की गोलियों से, वो वहाँ के कश्मीरी मुस्लिम शहीद हुए थे, रेप ऑफ बारामुल्ला तो आप जानते हैं उसमें क्या हुआ था। मगर इसमें मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि जब हमारे लोग हमारा लहू बहा है वहाँ पर हमारे सोल्जर्स का और वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों का जो जो फर्स्ट लाइन में डिफेंस थे कश्मीर में अगेंस्ट द पाकिस्तानी इन्वेजन, कि पाकिस्तानी इन्वेजन के बाद उनका कोई लोकल स्टैंड आए वहाँ पर बनता नहीं था जी। वो कश्मीर डिस्प्यूट अगर हम कहते हैं उसके भागीदार नहीं है। मैं मानता नहीं हूँ कि हमें कभी भी 1940 इसको एक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताना चाहिए थी, सबसे पहली हमारी गलती थी। और दूसरा ये है कि मैं देश को नेशनल और एंटी नेशनल में डिवाइड नहीं करता जी। मैं देखता हूँ कौन किस विचार से कौन क्यों कह रहा है। मगर इस इसमें जो प्रशांत भूषण ने किया है कि वो बरैये के छत्ते में इसने हाथ डाला है जी। बेकार में और बड़ी मेरे ख्याल में इसकी बड़ी बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो हम शांति और अमन जो चाहते हैं वहाँ पर हम आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, वो जब प्रशांत भूषण जैसे लोग आकर खड़े होके जो बहुत प्रभावित लोग हैं और PIRs फाइल करते रहते हैं जी, जब वो प्लेबिसाइट की बात करते हैं, ये नहीं कि कश्मीर का मामला का मसला हल हो, प्लेबिसाइट मीन्स पाकिस्तान जी। क्योंकि प्लेबिसाइट बेसिकली जो UN रेजोल्यूशन 47-48 रेजोल्यूशन है इट्स ऑन द रिकॉर्ड, उसमें सिंपली ये है कि दे कैन द प्लेबिसाइट मींस कि आप पाकिस्तान को चूज करेंगे या हिंदुस्तान को चूज करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान इसमें भागीदारी है ही नहीं जी। और जब आप कश्मीरियों के सामने ये कहते हैं कि यू हैव द राइट टू गो टू पाकिस्तान, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द राइट टू ग्रेटर ऑटोनॉमी और द 1953 कॉन्स्टिट्यूशन और एनी ऑफ दीज अदर थिंग्स व्हिच द मेन लाइन पार्टीज वांट। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो ये जो डिमांड जो है असल में जो गिलानी साहब करते हैं, जो अशरफ सर्राफ करते थे, जो प्रोफेसर अब्दुल गनी करते थे जी, और जो जिस डिमांड को छोड़ दिया अब्दुल गनी लोन ने जो मारे गए थे, जो शहीद हुए थे, काजी निसार ने जो शहीद हुए थे, मीर मुस्तफा ने जो शहीद हुए थे, प्रोफेसर मुशीर उनके वाइस चांसलर जो शहीद हुए थे, मौलाना फरूक जो शहीद, किन्ने इनको किन्ने मारा? इनको टेररिस्ट ने मारा, इनको मुजाहिदीन ने मारा। और इनको जो ये मांग जो प्लेबिसिट की है, ये मुजाहिदीन पाकिस्तानी सपोर्टेड मुजाहिदीन की,